आज हम बात करेंगे दिलीप सरदेसाई के बारे में। और आप पूछेंगे कि हम दिलीप सरदेसाई के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। दिलीप सरदेसाई एक बहुत ही जबरदस्त मध्यम क्रम के बल्लेबाज थे। 60 और 70 के दशक में भारत की तरफ से खेलते थे। दिलीप सरदेसाई को आज की जनरेशन नहीं जानती, तो उनको आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे बतौर खिलाड़ी? देखिए, दिलीप सरदेसाई मध्यम क्रम के बल्लेबाज थे और स्पिन और फास्ट दोनों गेंदबाजियों को बहुत अच्छी तरह से खेलते थे। 1962 में जब वो वेस्ट इंडीज गए थे तो एक भारतीय टीम के साथ दुर्घटना घटी थी। नारी कॉन्ट्रैक्टर भारतीय टीम के कप्तान थे और उन्हें चार्ली ग्रिफिथ की गेंद उनके सिर में लगी और वो जमीन पर, और उस टाइम हेलमेट भी नहीं हुआ करता, बिल्कुल नहीं, वो जमीन पर गिर गए और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच पाई। लेकिन इस मैच से पहले ही वो दिलीप सरदेसाई को एक बीच पर घुमाने ले गए। वेस्ट इंडीज बीचों का देश है तो, और वहाँ पर उन्होंने उनसे कहा डीकरा, डीकरा एक पारसी शब्द है जो बेटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि यहाँ पर हमारे बैट्समैन वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलरों को खेलने से डर रहे हैं और कोई भी ओपन नहीं करना चाह रहा है, तुम्हारे पास मौका है, क्या तुम ओपन कर सकते हो भारत के लिए? सरदेसाई ने कहा कि ये मौका है उनके लिए भारतीय टीम में जगह बनाने का, तो वो इसके लिए राजी हो गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नारी कॉन्ट्रैक्टर उसी मैच में जख्मी हो जाएंगे और अगले टेस्ट मैच में उन्हें नारी कॉन्ट्रैक्टर की जगह बतौर ओपनर भेजा गया। और उस जमाने में वेस्ट इंडीज की फास्ट बॉलिंग के क्या कहने, वेस हॉल होते थे, चार्ली ग्रिफिथ होते थे जिन पर बाद में आरोप लगाया चकिंग करने का। सरदेसाई टेक्निकली बहुत साउंड थे, कोई भी गलत स्ट्रोक नहीं मारते, तो ऐसा नहीं था कि वो चुपचाप रहते थे कि मतलब डिफेंस कर रहे हैं, हर गेम को रोक रहे हैं, वो स्ट्रोक लेते थे लेकिन लॉफ्टेड ड्राइव में उनका विश्वास नहीं। मेरे ख्याल से अभी तक में वो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो गोवा के प्रदेश से आए थे। पुर्तगाल की कॉलोनी थी, पुर्तगाल का वहां पर प्रभुत्व था और जैसा कि आपको मालूम है कि फुटबॉल बहुत लोकप्रिय है पुर्तगाल में, तो गोवा में भी वो परंपरा आई, लोग फुटबॉल खेलना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन दिलीप सरदेसाई का वास्ता एक नारायण टेलर होते थे वहां पर मारगांव की मार्केट में, उनकी दर्जी की दुकान थी और उनको क्रिकेट का बड़ा पैशन था एक तरह से, और हर तरह के क्रिकेटर्स की तस्वीरें जमा करते थे और क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है वो उसमें उनकी बड़ी दिलचस्पी थी। तो उन्होंने दिलीप सरदेसाई की दिलचस्पी क्रिकेट में पैदा की। पहली बार जब सरदेसाई को पहचाना गया कि इनमें क्रिकेट के कुछ गुर हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक टीम वहां आई थी गोवा में अच्छा। और सरदेसाई 15 साल के थे, उनको एक टीम में चुना गया और उसके खिलाफ उन्होंने शतक लगाया। और तभी उसी टीम के एक सदस्य ने कहा कि अगर आप ऊंचे जाना चाहते हैं तो आपको गोवा छोड़ना होगा क्योंकि यहाँ क्रिकेट की परंपरा नहीं है, आपको मुंबई आना होगा। तो 16 साल की उम्र में 1956 में दिलीप सरदेसाई मुंबई पहुंचे, फिर वहां पर उनके कोच नायक बने। पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी से खेलना शुरू किया और फिर लाला अमरनाथ की नजर उनके ऊपर गई, उन्होंने उनको वो सेलेक्टर थे उस समय, जी अच्छा। उन्होंने उनको सबसे पहले पाकिस्तान की टीम 1960 में आई थी उसके खिलाफ कंबाइंड यूनिवर्सिटीज की टीम जगह दी। 1971 का जब दौरा आया वेस्ट इंडीज का और टीम को चुनने की बात आई, विजय मर्चेंट सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने दिलीप सरदेसाई को चुना, जबकि सारे उम्मीद लगाए बैठे थे कि चंदू बोडे उस टीम में होंगे, अजीत वाटेकर ने जरूर उनका समर्थन किया। अभी आपने जिक्र किया वेस्ट इंडीज का, लेकिन इसके 2 महीने बाद इंग्लैंड का दौरा हुआ भारत का, और उसमें भी दिलीप सरदेसाई को चुना गया और जो ओवल में भारत ने टेस्ट मैच जीता उसमें उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। पहली पारी में उन्होंने 54 रन बनाए और दूसरी पारी में 40 रन बनाए। दिलचस्प कहानी है उस मैच की, चंद्रशेखर ने 6 विकेट लिए थे और मैन ऑफ द मैच हुए थे। दिलीप सरदेसाई को रेसिंग, घोड़ों की घुड़दौड़ देखने का बहुत शौक था,
तो वो चंद्रशेखर को लेकर एक रेसिंग हॉर्स रेसिंग के कंपटीशन में गए और वहां पर एक घोड़ा हुआ करता था मिल्ड्रेड, जिसने वो रेस जीती। तो इनका एक कोडवर्ड हो गया और ये चंद्रशेखर जब अपने बॉलिंग रन पे जा रहे होते थे तो उन्होंने उनसे कोडवर्ड में बात की और चंद्रशेखर से कहा कि मिल्ड्रेड डालना, और ये कोडवर्ड होता था गुगली डालने के लिए। और चंद्रशेखर ने, जॉन एड्रिच स्ट्राइकिंग एंड पर थे, बैटिंग कर रहे थे, सरदेसाई ने वहाँ से जोर से आवाज़ लगाई मिल्ड्रेड डालो, चंद्रशेखर ने मिल्ड्रेड डाली यानी गुगली डाली और जॉन एड्रिच का ऑफ और मिडिल स्टंप जमीन पे 3 गज दूर जा गया। वो बतौर फील्डर कैसे थे? देखिए साहब, ये उनका बहुत ही कमजोर पक्ष था। दिलीप सरदेसाई को फील्डिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, और फील्डिंग का दो किस्से मैं आपको सुनाऊंगा। एक बार वेस्ट इंडीज में अजीत वाडेकर ने दिलीप सरदेसाई ने बेदी के गेंद पर एक खिलाड़ी को कैच कर लिया, लेकिन अंपायर की उंगली नहीं उठी। अजीत वाडेकर ने अंपायर से पूछा उसने कैच कर लिया, तो अंपायर का जवाब सुनिए कि साहब मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता कि दिलीप सरदेसाई किसी गेंद को कैच भी कर सकते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप जो है उनका थोड़ा सा एक पर्सनल जो कनेक्शन है वो भी बताएं ज़रा, उनकी उनकी शादी कैसे हुई, वो क्या लव मैरिज थी या कैसे थी, वो भी बताइए। देखिए, उनकी दोस्ती थी नंदिनी पंत से। ये इनके पिता बड़ौदा में DIG हुआ करते थे और एक तरह से जो फैन, वो एक बहुत कम उम्र की थी और इनकी फैन थी, और इनकी मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई थी, मुंबई के एक रेस्टोरेंट में। 1961-62 के वेस्ट इंडीज टूर में ये वहाँ गए वेस्ट इंडीज, तब इन दोनों के बीच जो जिसे कहते हैं करीबी बढ़ी, और वहाँ से नंदिनी सरदेसाई से भी मेरी बात हुई, उन्होंने बड़े राज की बात बताई कि उस जमाने में STD तो हुआ नहीं करते थे और फोन आप कर नहीं सकते थे, या कर भी सकते थे तो बहुत महंगे होते थे, तो ये लोग एक दूसरे को रोज पत्र लिखते थे। और नंदिनी ने ये स्वीकार किया कि उन्होंने करीब 100 पत्र लिखे होंगे उस पूरे टूर के दौरान। दिलीप सरदेसाई बहुत हंसोड़ थे, बहुत प्रैक्टिकल जोक्स किया करते थे। सलीम दुर्रानी उनके साथ खेले हैं, उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा मुझे बताया। 1971 के ही दौरे की बात है कि सलीम दुर्रानी के कमरे में एक फ़ोन आया, बोले कि मैं फला फला बोल रहा हूँ, मैं यहाँ भारतीय मूल का व्यक्ति हूँ और आपके लिए एक टेप रिकॉर्डर और एक कैमरा लाया हूँ, तो आप आइए और ले जाइए। बोला नहीं, आप कमरे में आ जाइए, कमरे में दे दीजिए। तो बोले नहीं नहीं, आपको नीचे आना पड़ेगा और स्विमिंग पूल के पास मैं खड़ा हूँ। अच्छा। तो सलीम दुर्रानी ने टाई वाई बांधी, सूट पहना और नीचे गए, तो वहाँ कोई आदमी नहीं नजर आया और वो देख रहे हैं, तमाम ढूंढा, फिर वापस आके टाई वाई उतार के फिर फोन आया कि भाई आप आए नहीं, वो आपका टेप रिकॉर्डर और कैमरा मेरे पास रखा। बोले अरे मैं गया था। बोले नहीं नहीं, मैं जरा बात करने के लिए इधर गए, आप फिर आए। तो फिर गए और फिर वो टाई सूट दोबारा, हाँ, हाँ, और वहां कोई नहीं। अच्छा। तो इस तरह ये तीसरी बार हुआ। और जब तीसरी बार दुर्रानी वापस आने लगे तो पीछे से एक खंबे से आवाज आई, तो तुम्हें टेप रिकॉर्डर और कैमरा चाहिए? और दिलीप सरदेसाई थे, और दुर्रानी बताते हैं कि मैंने दिलीप सरदेसाई को दौड़ा लिया बुरी तरह से, वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे, और मैं इतने गुस्से में था कि मैंने सरदेसाई को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया उसी कपड़े में। तो इस तरह के प्रैक्टिकल प्रैंक्स दिलीप सरदेसाई की पुरानी आदत थी, वो किया करते थे।